ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। कहते हैं कि देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन की दिल होती है। क्या जिससे ये बने हैं, कौन बने हैं ये देवताएं? जिस ब्रह्मा भोजन से ऐसे श्रेष्ठ देवता बने हैं, उनको भी दिल होती है। कब की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में देवताएं कहां हैं? है? कोई देवताएं हैं? बन रहे हैं, अभी है नहीं ना। तो दिल किसको होती है? देवता। जब देवताएं हैं ही नहीं तो दिल कहां से होगी? है? ब्रह्मा सरस्वती जो भी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, वो सतयुग में देवता नहीं बनेंगे? है? बनेंगे ना, पक्का है कि बीच में जन्म लेंगे? जन्म तो नहीं लेंगे, देवता बनने का पुरुषार्थ उन्होंने साकार शरीर से पूरा किया ना, तो देवता तो बनेंगे। तो वो देवताओं की अभी दिल नहीं होती होगी क्या, कि हम भी ब्रह्मा भोजन खाएं? ब्रह्मा भोजन के लिए वो देवताएं तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? हैं? क्यों तरसते हैं? क्योंकि 64 में जब ये मुरली चली, चलाने वाले ने चलाई, शिव बाबा ने, जिसके द्वारा चलाई, चलो वो भी देवता बनेगा। उस समय उनकी बुद्धि में आया कि वेद का भी कोई भोजन होता है, है? है? नहीं कि वेद का भोजन हम बाबा की याद में रह करके बनावे, तो वेद का भोजन बाबा की याद में रहकर बनावेंगे तो देवताओं को बहुत बहुत खुशी होगी। वो तो ऐसे ही लिख दिया है कि देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन की दिल होती है। लिखने वालों को थोड़ा ही पता है ये कहां की बात है, कैसी बात है। सो अभी तुम जानते हो कि देवताएं ब्राह्मण सो ही फिर देवता बनते हैं। किससे बनते हैं? हैं? जो ब्राह्मण देवता बनते हैं वो किस भोजन से देवता बनते हैं? हैं? संपूर्ण ब्रह्मा के भोजन से या अधूरे ब्रह्मा के भोजन से? जो संपूर्ण ब्रह्मा का भोजन है, उस संपूर्ण ब्रह्मा के भोजन से देवताएं भी देवता बन जाते हैं। ये पवित्र भोजन खाने से वो देवता बन जाते हैं। पवित्र भोजन कोई को मिलता थोड़े ही है, कब की बात बताई है? 64 की बात बताई, अभी मिलता होगा कि नहीं है? मिलता है कि भागते हैं? वेद का पवित्र भोजन मिलता है? हैं? मिल रहा है, मिल रहा है। अच्छा, तो सन्यासियों को पवित्र भोजन मिलता है क्या? वो सफेद कपड़े वाले सन्यासी बेस के में बैठे हुए, उनको पवित्र भोजन मिलता है? हैं? वो प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में रहते ही नहीं है, तो उनको पवित्र भोजन का पता कैसे चले? वो तो घर में आकर के बनाते हैं। तो इस भोजन की कितनी महिमा है। परंतु जबकि ऐसे मिले तब कैसे हैं? यह याद में बनाया हुआ भोग है, इंद्रियों का भोग होता है ना, वो इंद्रियों का भोग जब याद में रह करके मिले तब, जबकि शक्तियों का ऐसा भंडारा हो। क्या कहा? भोजन का भंडारा शक्तियों का क्यों बताया?
पांडवों को क्यों नहीं बताया है? ऐसे बेहद का भोजन का भंडारा शक्तियों का हो सकता है, पांडवों को क्यों नहीं हो सकता है? अब पांडव तो सब है, अरे पांडवों को क्यों नहीं है? पांडव सब दुर्योधन दुशासन है, दुष्ट युद्ध करते हैं। माया का युद्ध भी करेंगे ना, कैसा करेंगे? दुष्ट युद्ध करेंगे, दुशासन का युद्ध करेंगे। दुशासन क्या करता है? हैं? प्यार से शासन करता है कि जबरदस्ती शासन करता है, बाल पकड़ के खींचता है, हैं? जोर जबरदस्ती करता है। तो ये दुर्योधन दुशासन है, उनका भंडारा तो हो ही नहीं सकता। तो ये शक्तियों का ऐसा भंडारा हो तब ऐसा भोजन मिले, परंतु शक्तियों को भी ये पता तो नहीं है ना। क्या कहा, कब की बात बताई है? 64 में ये सब बेहद के भोजन की बात शक्तियों को भी पता नहीं, और भी है? अभी तो ये बाबा खोल खोल के बता रहे हैं, नहीं बता रहे, खोल खोल के बता रहे हैं। ये तो फरक्काबादी बाबा है ना, खुला खेल फरक्काबादी, इसमें छुपाने की तो कोई बात ही नहीं। अगर शक्तियां योग में रह करके ये वेद का भोजन बनावे तो बहुत ही शक्ति मिल जाएगी, तो भी बनावे तब जब शक्तियों की बुद्धि में ये बात आए। कब बनावेंगी ये बेहद की बातें? शक्तियों की बुद्धि में जब आए तब बनाए, तो भी वो शक्तियों की बुद्धि में भी नहीं है। है कब की बात बताई है? 64 की बात बताई। नहीं तो उसके ऊपर पुरुषार्थ करें बहुत अच्छी तरह से। किसके ऊपर? हाँ, पवित्र बेहद का भोजन बनाने के ऊपर अच्छी तरह से पुरुषार्थ करें। बाबा इसके लिए बार बार समझाते रहते हैं। क्या बार बार समझाते रहते हैं? हैं? मुरली में समझाते हैं ना, कर्म इंद्रियों से कर्म करते शिव बाबा को याद करो। दिल तो होती है कि हम अपने हाथ से बनावे, क्या सबसे बढ़िया भोजन कौन सा? अपने हाथ से बनावे, हमको कहाँ मिलेगा हैं? बरोबर बाबा कहते हैं, अगर मैं भी बैठ करके बनाऊं शिव बाबा की याद में, मैं पुरुषार्थ करता हूं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि अपने हाथ से बनाओ, परंतु बनाते बनाते भूल जाते हैं। परंतु बनाते प्रैक्टिस करते करते याद भी आ सकती है, असंभव नहीं है, आ सकती है याद। तो देखो ये प्रैक्टिस कितनी प्रबल है। क्या, कौन सी प्रैक्टिस? याद में रहते बेहद का भोजन बनाने की प्रैक्टिस कितनी प्रबल है। कोई मुश्किलात की तो बात ही नहीं है। बाबा चैलेंज देते हैं कि जो भी बेहद के भंडारे में है तुम सब कोशिश करो। क्या, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का घर घर में ब्राह्मणों का भंडारा तो है कि नहीं? ब्रह्मा के भोजन से ही खाते हैं, ब्रह्मा के भंडारे से ही खाते हैं कि कहीं और से खाते हैं? शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। तो जो भी भंडारे में तुम सब कोशिश करो। सब माने कौन कौन?
हैं? सब शक्तियां कोशिश करो परंतु नहीं, भंडारे में याद तो क्या, एक दिन भी कभी याद नहीं, एक घंटा भी कभी याद नहीं पड़ता है तेरे। वो क्या इतना समय याद करेंगी? कौन है? कौन सी शक्तियां इतना समय कैसे याद करेंगी? अगर याद वाली हो, ज्ञान वाली हो, तो फिर बड़ी सर्विस में लग जावे। क्या बड़ी सर्विस कौन सी हो, छोटी सर्विस कौन सी है? नहीं, जो बाप के भंडारे में सरेंडर हुए पड़े हैं, वो बड़े भंडारे में लगे हैं या छोटे छोटे अपने अपने घर के भंडारे में लगे हैं? तो बोला अगर ज्ञान वाली हो तो बड़ी सर्विस में लग जावे। उनको यहां सुख नहीं आवेगा। कहां? नहीं, हाँ पुरानी दुनिया में। लेकिन पुरानी दुनिया में तो 500 करोड़ है, 500 करोड़ की तो बात ही नहीं। यहां माने कहां? हाँ यहां, यहां का मतलब कहां? अपने अपने घर में जो भंडारा बनाते हैं, उस भंडारे में उनको सुख नहीं आएगा। यहां भी बहुत हैं, चलो ये तो बात छोड़ो, जो नॉन सरेंडर है, यहाँ जो सरेंडर है बाबा के घर में, बाबा के भंडारे में खाती है, रहती है, बनाती है, यहाँ भी बहुत हैं। जिनको भंडारे के लिए बोलो तो कहेंगी अरे मुझे ये भी तो सर्विस करनी है, झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करने हैं, आग में कौन उंगलियां झुलसाए, मैं सिर्फ भंडारे में थोड़े ही रहूंगी। अथवा तो कहेंगी स्थूल काम थोड़े ही करूंगी, मैं तो अपना भी कल्याण करूंगी ना, है मना, ऐसी सेवा करने के लिए ना कर देंगी साफ। क्योंकि जब तक कोई को आप समान न बनावे, कांटे को फूल न बनावे, तब तक वो क्या कर सकती है? कुछ भी काम के नहीं है वो, तो कोई राजाई के लायक ही नहीं बन सकते हैं। राजाई के लायक तो वो ही बनते हैं जो आप समान बनावे, नरको नारायण बनावे, नारी को लक्ष्मी बनाने का पुरुषार्थ करें। सिर्फ खाना देने से थोड़े ही वो नर से नारायण बना सकते हैं। क्या कहा है? वेद का भोजन बनाने से या सिर्फ खाना देने से है? वेद का भोजन बनाने की बात है। ओम शांति।
शांति आज की अव्यक्त वाणी है चौदह फरवरी 2014। हेडिंग दिए है परमात्मा प्यार के पात्र बच्चे, प्यार लेते और देते हुए फॉलो फादर करके स्वयं भी निर्विघ्न बनो और अपने नजदीक साथियों को भी निर्विघ्न बनाओ। आज प्यार के सागर चारों ओर के हर बच्चे को बहुत 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 प्यार दे रहे हैं। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में अब संगम के समय ही प्राप्त होता है। दुनिया वाले आज के दिन को प्यार का दिन कहते हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन बाप के प्यार को प्राप्त करने का है। आज दिन के यादगार प्रमाण बाप दादा के सामने आप बच्चे हो, लेकिन बाप दादा के दिल में चारों तरफ के बच्चे चाहे फॉरेन में है चाहे गांव में है, लेकिन हर एक बच्चा बाप के दिल का दुलारा है। वैसे तो ये संगम युग ही परमात्मा प्यार के आप पात्र हो, लेकिन आज विशेष आज की दुनिया के हिसाब से प्यार का दिन है, तो बाप दादा भी चारों तरफ के एक एक बच्चे को बेहद का प्यार, दिल का प्यार, सदा उमंग उत्साह में उड़ने का प्यार, एक एक बच्चे को, प्यार के पात्र बच्चों को, हर बच्चे को सामने लाए कर दे रहे हैं। आप तो सामने हैं, साकार में हैं, लेकिन बाप दादा के सामने चारों ओर के बच्चे प्रेम के पात्र बच्चे प्यार दे और प्यार ले रहे हैं। वैसे तो आज के दिन को मनाने के कारण कहते हैं, लेकिन हर बच्चा हर संगम के समय परमात्मा प्यार का पात्र है। ये प्यार का पात्र ये आत्माएं बाप के अति प्यारे बाप के लाडले बच्चे हैं। ये परमात्मा प्यार सिर्फ संगम युग के एक जन्म में ही प्राप्त होता है। ये प्यार अनेक जन्म के दुख दर्द को समाप्त करके सदा खुशी की खुराक दिलाने वाला है। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार के अधिकारी आत्मा है। आज के दिन बाप दादा हर बच्चे को दिल का प्यार ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। आप सब भी प्रेम स्वरूप आत्मा बन अपना स्वरूप दिखाई रहे हो। हर एक बच्चे के नैनों में मस्तक में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। अभी आप हर एक को अन्य भाई और बहनों को परमात्मा प्यार के पात्र बनाने का उमंग उत्साह सदा दिल में रहता है। आज बाप दादा देख रहे हैं
हर एक बच्चे के मन में उमंग उत्साह है कि बाप समान बन नहीं है। बाप समान बनना ही है माने क्या हुआ? बिंदी बनना है, यह ब्रह्मा बाप समान आकारी स्टेजधारी सूक्ष्म शरीरधारी बनना है। बाप समान का मतलब क्या है? फॉलो फादर करने वाले आप हो ना। जैसे बाप का सदा हर बच्चे से, चाहे पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ में नंबर वार है, फिर भी बाप का प्यार सदा हर बच्चे के साथ है। हर बच्चे को अमृत वेले बाप दादा विशेष चारों ओर याद प्यार और शक्तियां वरदान में देते हैं। ऐसे प्रभु पात्र बच्चों का भाग्य है। अब बाप दादा का एक और संकल्प है, सुनाए? क्या सुनाए? करना पड़ेगा, करने वाले हाथ उठाओ। हिम्मत तो बहुत अच्छी है, बाप दादा खुश है और हिम्मत है बच्चे मदद है बाप भी है। तो अब ये कमाल दिखाओ, हर बच्चा निर्विघ्न बन बाप समान बने। किस बात में है? बाप समान निर्विघ्न बनने में। माना बाप के सामने कोई विघ्न नहीं आता है, है? अगर ब्रह्मा बाप को बाप माने तो वो तो अव्यक्त है, सूक्ष्म शरीरधारी है। उनके सामने विघ्न आना ना आना पता ही नहीं लगेगा। विघ्न आना और ना आना साकार के लिए होता है या निराकार और आकारी के लिए होता है? तो हर बच्चा निर्विघ्न बन बाप समान बने। लक्ष्य तो सबका है, लेकिन बीच बीच में कोई विघ्न थोड़ा ढीला कर देता है। अब बाबा यही चाहते हैं कि हरेक अपने को लक्ष्य रख करके निर्विघ्न, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में निर्विघ्न सदा बाप समान बने। बाप के लिए कैसा बताया? मनसा से निर्विघ्न। मनसा में विघ्न आते हैं, विघ्न आते हैं तो मनसा को एकाग्र करने देते हैं, है? नहीं करने देते। और वाचा में विघ्न आते हैं, आते हैं, कोई उलट पुलट बात कर देता है, गुस्से में आके बोलता है तेरा गला काट दूंगा, तो वो गला काटने की बात बार बार याद आती है, बाप की याद भुलाई देती है। अगर भुलाई देती है तो विघ्न काबिज है।
चाहे संबंध में, संबंध शरीर के साथ होते हैं या सूक्ष्म शरीर के संबंध होते हैं, शरीर के संबंध, साकार शरीर, साकार शरीरधारी बाप भी है और साकार शरीरधारी बच्चे भी है, और साकार शरीर से जो साकार कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के साथ संबंध बनते हैं, तो उन संबंधों में संबंध बिगड़ते भी है और संबंध सुधरते भी हैं। संबंध खुशी लाते हैं, अगर खुशी लाते हैं तो संबंध संबंध है, अगर दुख पैदा कर दे तो उसे संबंध नहीं कहेंगे, बंधन कहेंगे, दुख का बंधन है। चाहे बेटा है, चाहे पति है, चाहे बाप है, दुख दाता है तो बंधन है, बंधन में बांधने वाला है या सुख देने वाला है। तो चाहे संबंध में, संबंध गहरा होता है, चाहे संपर्क में, संपर्क हल्का होता है, कोई के संपर्क आने में आने मात्र से ही हालत खराब हो जाती है, और कोई के संपर्क में आने मात्र से ही हालत बहुत अच्छी हो जाती है, देखने मात्र से ही खुशी हो जाती है। तो संबंध में और संपर्क में सदा निर्विघ्न रहें, ऐसे बाप समान बन औरों को भी उमंग उत्साह में ला करके उनके सहयोगी बन, उन्हों को भी निर्विघ्न बनाए। हरेक अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बना करके सभी की दुआएं लें, हरेक सेवा केंद्र या हरेक जहां भी है, घर में है, सेंटर पर है, ये दृढ़ संकल्प करे और करके दिखावे कि मैं निर्विघ्न हूँ, और साथियों को भी निर्विघ्न बनाने की सेवा करूंगा। कम से कम हर सेंटर को अपने अपने साथियों के सहयोगी बन निर्विघ्न बनाने की सेवा में सफल बने। बाप दादा भी चाहे सेवा केंद्र, चाहे स्वयं कहां भी रहते हैं, स्वयं को निर्विघ्न संकल्प मात्र भी व्यर्थ संकल्प समाप्त, ऐसे बने और बनाए। क्या ऐसा हो सकता है? किस आधार पर हो सकता है? हाँ, ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो चाहे मनसा के द्वारा, चाहे वाचा, चाहे संकल्प, चाहे संबंध, चाहे संपर्क में कोई भी विघ्न आता है तो ज्ञान की पराकाष्ठा से उसको दूर भगाए सकते हैं। तो ये दृढ़ संकल्प करते हो अभी से, साथियों को भी बना सकते हो। इस बात में हाथ उठाओ, बहुत सोच के हाथ उठाए रहे हैं। जब आप विश्व परिवर्तक अपने को कहलाते हो तो विश्व के परिवर्तन के पहले जहां भी हैं
उस स्थान को तो निर्विघ्न बनाएंगे ना। लक्ष्य रखो, जैसे अपने को निर्विघ्न बनाया है संकल्प में सफलता है, वैसे साथियों को वायुमंडल को भी बनाएंगे, तब ही तो अपना राज्य आएगा। तो सभी आज के दिन बाप दादा यही काम देते हैं, अभी से देते हैं कि खुद तो बने हैं, बाप दादा खुश है, लेकिन साथियों को भी निर्विघ्न बनाए, क्योंकि अपना राज्य स्थापन करना है ना, तो राज्य में तो सभी होंगे ना। तो संकल्प करो साथियों को भी जहां तक हो सकता है मदद लो, और मदद लेके भी बनाना है। ये संकल्प कर सकते हो, अगर ये संकल्प कर सकते हो तो हाथ उठाओ। हाथ तो सभी उठाए रहे, बहुत अच्छा है, अच्छा है, हिम्मत है, चाहे कैसे भी है, लेकिन आपका वायुमंडल इतना पावरफुल हो जो अपने वायुमंडल को, जहां तक आपका वायुमंडल है वहां तक हरेक निर्विघ्न हो सकता है। चौदह जो 2014 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज, जो समझते हैं कि हो सकता है वो हाथ उठाओ। पीछे वाले हाथ उठाए रहे हो, ऐसे ऐसे करो, हाथ उठा के तो खुश कर दिया, मुबारक, अच्छा है, संकल्प तो किया ना कि करना है। क्यों, अपने साथ रहने वाले या संपर्क वाले उनों को तो साथी बनाना है ना, भले नंबर वार बनेंगे, ये तो बाप भी जानते हैं, लेकिन फर्क तो दिखाई देता है ना। तो आज से विशेष संकल्प उत्पन्न करो कि अपने कनेक्शन में नजदीक वाले उन्हों को भी निर्विघ्न बनाना है, तो बना सकेंगे, बनाएंगे। पहली लाइन हाथ नहीं उठाती है, अपना राज्य तो लाना है ना, तो राज्य में साथी को लाना तो है ना, उसको छोड़ देंगे क्या? एक दो को साथ देके भी लक्ष्य रखेंगे तो हिम्मत आपकी, मदद बाप की है, ये हो सकता है तो इसमें हाथ उठाओ। हाथ तो सभी अच्छा उठाई देते हैं, और हाथ उठा करके बाप दादा को खुश कर देती हैं, तो बाप दादा टाइम देते हैं अपने कनेक्शन में आने वालों को, बाप समान साथी बनाओ, आप समान साथी बनाओ, पहले आप समान फिर बाप समान, चार ओर ब्राह्मण सदा निर्विघ्न,
ये हो सकता है या मुश्किल है? जो समझते हो सकता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये पहली लाइन बोलो, हो सकता है तो अगली सीजन तक टाइम देवे। या अभी भी हो सकता है, साथियों को आप समान बनाना है, नंबरवार होंगे लेकिन इतना तो बताओ, जो कोई भी विघ्न रूप नहीं बने। इतना तो बनाएंगे ना, ये हो सकता है क्या? विघ्न रूप नहीं बनेंगे, पहली लाइन हो सकता है। आगे वाले, अच्छा हिम्मत तो अच्छी है, तो अगली सीजन में आएंगे तो ये खुशखबरी सुनाएंगे और सुनेंगे, ये लाएंगे। जो समझते हैं हम पुरुषार्थ करके थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े, लेकिन साथियों को आसपास वालों को निर्विघ्न बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत अच्छा उठाए रहे, शाबाश। अभी बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेंगे, कम से कम अपने नजदीक वाले साथियों को, उनको तो आप समान बनाना चाहिए ना, बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हाथ उठाओ। हाथ तो सभी ने उठाई दिया, बाप दादा आपको ऐसे सहयोगी बनाने वालों को अभी भी मुबारक दे रहे हैं, और जब फिर आएंगे तो ये रिजल्ट देखेंगे कि हो गया। हो सकता है, बोलो हो सकता है। पहली लाइन हाथ नहीं उठाती, क्योंकि सभी निमित्त हो ना। तो निमित्त को तो ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो अभी कर गए बाप को दिखाएंगे ना, बाप दादा देखेंगे, बाप दादा जो प्रैक्टिकल साथियों को ऐसे निर्विघ्न बनाएंगे उनको बाप दादा प्रेजेंट देंगे, इनाम देंगे। लेकिन आप कहेंगे तो थोड़ा इंक्वायरी तो करेंगे, इस बात के लिए तैयार हैं। पहली लाइन अच्छा है, हिम्मत वालों को बाप दादा की मदद है और मिलती रहेगी। अच्छा, आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सब सहज हो जाता है। तो दूसरा, जैसे आप सभी ने हिम्मत रखी वैसे मदद भी बाप करेंगे, साथ ही भी मदद करेंगे तो प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। परिवर्तन तो होना है ना,
जो भी छोटी मोटी बातें हैं उन बातों को आप ही परिवर्तन कर लो, कहना नहीं पड़े। समझदार तो हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो जो नहीं करना है वो नहीं कर लो बस। बाप दादा भी विश्व परिवर्तक बनने के लिए हर एक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना यही चाहते हैं, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक हो तो एक दो साथियों को बदलना क्या मुश्किल है। तो हर एक ध्यान रखना, हमको अपना वायुमंडल और साथियों को निर्विघ्न बनाना ही है, क्योंकि आप विश्व को बनाने वाले हो। अभी तो बाप दादा एक छोटा सा काम दे रहे हैं, संकल्प करते हो तो हाथ उठाओ। संकल्प करने वाले सभी ने हाथ उठाई दिया, वाह, हाथ उठाए के तो खुश कर दिया, मुबारक हो मुबारक हो। अभी दूसरी बारी आएंगे तो खुशखबरी सुनेंगे ना, सुनेंगे, इसमें हाथ उठाओ, अपने नजदीक वाले साथियों को निर्विघ्न बनाओ। छोटा सा काम देते हैं, सभी को नहीं कहते। अच्छा, बाप दादा को मजा आता है जब बच्चे हिम्मत रखते हैं ना, तो बाप दादा को बहुत खुशी होती है। और हिम्मत है बच्चे मदद बाप, साथ ही तो है ही। तो अगली बार क्या रिजल्ट देखेंगे, हर एक के साथ रहने वाले, नजदीक रहने वाले, उनमें परिवर्तन है दिखने है, ऐसे है ना, ये काम करेंगे ना। साथियों को आप समान तो बनाएंगे ना, इस बात में हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो बहुत अच्छे, बाप दादा खुश होते हैं। हाथ उठाने की भी हिम्मत तो रखी, करने में एक दो के साथ ही बनना तो सभी खुश है। हाथ उठाओ जो खुश है, जो खुशी कभी भी नहीं गंवाते, सदा खुश। अच्छा, पीछे वाले सदा खुश है, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, सदा खुश रहना और सदा खुश बनना मंजूर है ना, बनाना भी है, क्योंकि अपना राज स्थापन करना है, स्थापन करना है, स्थापन होना है, तो साथियों को तो साथ लेंगे ना, कि बिना साथियों के राज्य हो जाएगा। चौदह दो 2014 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पे, ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन में कौन कौन आता है,
बहुत बड़ा है। तमिलनाडु, नेपाल, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब जगह से 17,000 आए हैं। बाप दादा ने सभी को नंबर वार उठाया, हरेक स्थान की जोन सब जोन इंचार्ज बड़ी बहने उठे। अभी लक्ष्य रखो कि जो भी एरिया आपको मिली है सेवा के लिए उनको निर्विघ्न बनाना ही है। आप लोग संकल्प करो क्योंकि राजधानी स्थापन करनी है और आपकी राजधानी आधा कल्प चलेगी। तो इसके लिए थोड़ा चक्कर लगा करके मेहनत करो। जो हेड है वो सभी जगह रह के समस्याओं को हल करे। समस्याएं होती तो एक जैसी है लेकिन हर एक अपनी एरिया में समस्या समाप्त करके सफलता मूर्त बने, ठीक है ना? तो हाथ उठाओ। अच्छा है, तो अगली बार जब आएंगे तो पूछेंगे आपकी एरिया में विघ्न समाप्त हुए, ऐसा पूछे, क्योंकि बनना तो आप लोगों को ही है, जो भी बेचे हैं उन्हों को ही बनना है, बन करके बनाना है। राजधानी स्थापन होगी तो यहाँ से ही संस्कार डालेंगे ना, और ये होगा कोई बात नहीं है, बाप दादा भी मददगार बनेंगे। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो यज्ञ में लेकर के भेजो, ठीक होगा। जैसे मदद हो सकेगी होगी, निर्विघ्न तो बनना ही पड़ेगा, तब तो अपना राज्य स्थापन होगा। बहुत अच्छा है। डबल विदेशी भाई बहने 400 आए हैं, ये डबल विदेशी बहुत अच्छा है। डबल विदेशियों को बाप दादा देख करके बहुत खुश होते हैं, वाह डबल विदेशी वाह, क्योंकि आप लोगों ने बाप को विश्व पिता प्रसिद्ध किए हैं। क्या कहा? किसने माना? डबल विदेशियों ने विश्व पिता प्रसिद्ध किया है, मतलब क्या हुआ है? भारत कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी। पहले थे भारत कल्याणी, अब है
पहले थे भारत कल्याणी, कब तक? जब तक विदेश में सेंटर्स नहीं खुले थे। और अभी चारों तरफ सेवा बनने से विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में, तो आप लोगों को बहुत 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 याद किया और बहुत बहुत कमाल करके आगे बढ़ने वाले बाप दादा देख रहे हैं। अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले हर जगह भिन्न भिन्न तो होते हैं, लेकिन फिर भी भारत के सिवाय विश्व पिता कहलाने के निमित्त बने हो। अच्छा है, डबल विदेशियों को बाप दादा डबल प्यार दे रहे। दूर रहते भी, देश दूर है लेकिन दिल नजदीक है, ऐसे है ना? तो हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। बाप दादा भी खुश होते और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां विदेशी तरक्की कर रहे हैं, इसकी भी बधाई हो। अच्छा, एक दो के सहयोगी बनकर के निमित्त जयंती बन बांकी है ना, तो अभी कहाँ है? ये बहुत चक्कर लगाती है, अच्छी सेवा कर रही है। साथी भी आपके अच्छे हैं, बाप दादा डबल विदेशियों को डबल प्यार याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक हो। अच्छा, चार ओर के बच्चों को, चाहे देश है चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा दिल का याद प्यार और शुभ बात सुना रहे हैं कि देखा गया है कि चार ओर विदेश में या देश में भी सेवा के ऊपर अटेंशन बहुत है, वृद्धि है और आगे भी वृद्धि करते रहेंगे। मुबारक हो। मुन्नी बहन से सभी खुश है, संतुष्ट है, सेवा कर रही हो और करती रहेगी। दादी जानकी से दादी ने बाप दादा को गुलाब के फूलों का हार पहनाया, ये हार आप सबके प्यार का है। बल निमित्त ये पहनाई गई है, लेकिन आप सबका प्यार बाप दादा को पहुंच गया, सभी का प्यार बाप दादा को पहुंच रहा है। सभी को आगे तो नहीं ले जा सकते, इसलिए दूर से ही बाप दादा वाह बच्चे वाह कर रहे हैं। मोहिनी बहन से ठीक है, अच्छी हो गई।
अभी अच्छे ही रहेंगे। मोहिनी बहन ने कहा, रतन मोहिनी दादी को गुलवर्ग यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट की डिग्री मिलने वाली है, अच्छा है। डॉक्टर निर्मला दादी से अच्छा संभाल रही हो, स्थान भी अच्छा चल रहा है, मुबारक हो। हंसा बहन से जो करता है उसको अंदर ही अंदर स्वयं के खाते का अनुभव होता है। होता है आप दादी को संभाल रहे हो, इसमें सब आ जाता है। एक दादी की सेवा नहीं कर रही हो, अनेकों की सेवा कर रही हो। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। कौन कौन तीनों भाई? बैर भाई बंबई के, रमेश भाई और दिल्ली के ब्रजमोहन भाई। ठीक है, अच्छा है, निर्विघ्न है, सभी काम ठीक चल रहा है। और जिसकी बातें हैं वो भी ठीक हो रही है। हो रही है ना, मुबारक हो। ब्रजमोहन भाई से आपने टॉपिक बदली नहीं की, ब्रजमोहन भाई ने कहा बदली की है, बाप दादा को भी दिखाई, इससे समझ जाएंगे जो खास गीता के बारे में था वो इस बात से थोड़ा छिप गया है। अभी सोचो, सोचेंगे तो ठीक हो जाएगा। उनका हरिद्वार में संत सम्मेलन कर रहे हैं, अच्छा है, उनको जगाओ। रमेश भाई से कारोबार ठीक है ना? डॉक्टर बनारसी भाई से सेवा ठीक कर रहे हो, मुबारक हो। सेवा में थकता नहीं है, अच्छा है, अथक होने का वरदान है। ओम शांति।